हेलो फ्रेंड्स, गुड बॉडी केयर मॉर्निंग। और आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं किसी प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं लाई हूँ, बल्कि मैं आज कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, एक्सपीरियंस कुछ इस तरह का है कि मेरे को अस्थमा था और मैंने मोदी केयर के सप्लीमेंट से अपने अस्थमा को 100% ठीक कर लिया है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ यही बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने इसे ठीक कर लिया, किन किन प्रोडक्ट्स को मैंने यूज किया और किस तरह से ये मेरे को, मतलब मेरी लाइफ में एक मिरेकल हुआ इन प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद। आज मैं आप लोगों को यही शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो मेरा जो पहला प्रोडक्ट था वो था ये नोनी जूस, जिसे मैंने सबसे पहले इस्तेमाल करना शुरू किया। और नोनी के साथ मैंने लिया यहाँ पे ये डिटॉक्स। इन दो प्रोडक्ट्स को सबसे पहले मैंने शुरू किया। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं 2017 से परेशान थी। लगभग 2017 से मेरे को अस्थमा का मतलब जो बीमारी है ये अस्थमा, इसके बारे में पता चला कि मेरे को अस्थमा हो गया है। मैं सांस लेने में मेरे को प्रॉब्लम होती थी, जो भी अस्थमा से रिलेटेड जो भी सिम्टम्स है वो मेरे को दिखने लगे। डॉक्टर को मैंने चेक कराया तो डॉक्टर ने कहा जी हाँ, अब ये बीमारी आपकी ठीक तो नहीं हो सकती, लेकिन आपको कंट्रोल कर सकते हैं दवाओं से, इनहेलर से, आप इसको बस कंट्रोल रख सकते हैं, लेकिन इसे कभी हम 100% ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक इस तरह की बीमारी है जिससे कभी भी 100% ठीक नहीं किया जा सकता है। उस समय मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। उस 2017 से लेकर 2019 अगस्त तक मैं दवाओं पे चलती रही, इनहेलर का यूज करती रही और बहुत ही ज्यादा मतलब परेशान भी रहती थी, क्योंकि दवाएं तो अपनी जगह जो भी साइड इफेक्ट करती ही होंगी, लेकिन जो इनहेलर था मेरे को उससे साइड इफेक्ट होने लगा। क्योंकि जब मैं इनहेलर यूज करती तो उससे मेरे को बेचैनी होती, घबराहट होती, अलग अलग तरह की परेशानियां होने लगी थी जो मेरे को बॉडी में दिख रहा था। अब ऐसे में मैं बहुत ज्यादा इनहेलर यूज करूँ, बहुत ज्यादा इंग्लिश दवाओं का सेवन करूँ, तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए अच्छा भी नहीं था। मेरी जो बच्चे थे वो काफी छोटे छोटे थे और मेरी छोटी सी बेबी थी जो सिर्फ 5 महीने की थी, उसको फीडिंग कराना होता था। ऐसे में मैं बहुत ज्यादा अंदर से कमजोर हो जाती थी, तो यहाँ पे मेरे को बहुत ही ज्यादा परेशानी होने लगी। अब मेरे पास कोई रास्ता था नहीं, मैं कभी इस डॉक्टर कभी उस डॉक्टर की, मेरा 100% ये ठीक हो जाए, मैं इस बीमारी से किसी तरह से रिलीफ मेरे को मिल जाए, मैं ऐसा सोच के डॉक्टर्स के पास जाती, बट कहीं भी मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन थैंक्स टू मोदी केयर, जब हम लोगों ने मोदी केयर ज्वाइन किया तो हम लोगों का जो पहला प्रोडक्ट था वो हमारा नोनी ही था। और ये नोनी मैंने अपने सासू माँ को दिया था, उनको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिला था, बट मुझे नहीं पता था कि इसको लेने के बाद शायद मेरे को भी लाइफ में अच्छा फील होगा। तो एक दिन हमारे पास एक छोटा सा वीडियो आया जिसमें नोनी और डिटॉक्स के बारे में मैंने देखा कि उनका अस्थमा भी ठीक हो चुका था इस नोनी और डिटॉक्स से। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इसे एक बार ट्राई करूं। सो मैंने अगस्त 2019 में नोनी और डिटॉक्स को लेना शुरू किया। मैं सच बताऊं, मैंने अगस्त से लेना शुरू किया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। दिसंबर में मैंने ये देखा कि मेरे को इनहेलर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, मेरा इनहेलर छूट गया। यहाँ तक कि मेरी कुछ दवाएं थी जिन्हें मेरे को डेली लेना पड़ता था, मैंने उन दवाओं को भी सोचा कि क्यों ना इनहेलर जब बंद हो गया है तो दवाओं को एक बार बंद करके देखूं। एंड 6 महीने के बाद मैंने दवाएं बंद कर दी और फिर उसके बाद मुझे कभी दवाओं की ज़रूरत आज तक नहीं पड़ी। मैं सच कहूँ वो 6 महीने किस तरह से बीते मेरे को नहीं समझ में आया, लेकिन 6 महीने के बाद जो रिजल्ट था वो मतलब एकदम मिरेकल था मेरी लाइफ में, क्योंकि मैंने इनहेलर बंद कर दिया, मेरी जो 3 टाइम 4 टाइम जो मैं दवाएं लेती थी 3-3 4-4 तरह की, वो सारे मेरे बंद हो गए। तो ये सच में एक बहुत बड़ा चमत्कार था मेरी लाइफ में। और मैंने साथ में एक और सप्लीमेंट लेना शुरू किया जिससे कि मेरी जो अंदर की जो कमजोरी थी वो कम हो जाए। उसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया ये ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया आपको कि डिटॉक्स, इसे भी मैंने लेना शुरू किया और इसे मैं सुबह
और शाम खाली पेट गुनगुने पानी से लेती थी। साथ में जो नोनी है इस पे भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि इसे कैसे लेना है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, मैंने सारा इंस्ट्रक्शन दे दिया है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ एक बार, इसे भी सुबह और शाम खाली पेट ही लेना है। लेकिन इसको स्टार्टिंग कैसे करना है ये सब कुछ आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा कि कैसे इसको लेना है। तो फ्रेंड्स, ये मेरे कुछ प्रोडक्ट्स थे जिनको लेकर मैंने अपने अस्थमा को 100% ठीक कर लिया। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप भी किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसको कि अस्थमा जैसी एक घातक बीमारी है जो कि कहीं ना कहीं लोगों को मौत के मुंह में भी लेकर जाती है, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए तो प्लीज़ उन्हें ये वीडियो ज़रूर सजेस्ट करें। साथ ही साथ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह के मैं और भी वीडियो आप लोगों तक लेकर आती रहूँ और आपको इसके बारे में पता चले। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको और ज़्यादा जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं या फिर आप मेरे को ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप दिए हुए नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो मेरा आज का मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैंने किस तरह से अपने अस्थमा को ठीक किया इन सप्लीमेंट्स को इस्तेमाल करके। साथ ही साथ मैंने थोड़ा सा योग भी किया जो कि अनुलोम विलोम और प्राणायाम जो होता है, मैंने इस पे भी थोड़ा सा फोकस किया इसीलिए। और खाना मेरा नॉर्मल था, मैंने ठंडी चीज़ों को स्टार्टिंग में परहेज किया, लेकिन एक साल के बाद मैं 100% क्योर हो गई और अब मैं हर चीज़ खा सकती हूँ जिसे डॉक्टर ने मना कर दिया था। मेरी फेवरेट चीज़ आइसक्रीम, फ्रूट्स, जिन्हें मैं बिल्कुल छू तक नहीं सकती थी, अब मेरे लिए वो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कभी भी खा लेती हूँ। सो थैंक यू मोदी केयर जिसने मुझे इतने अच्छे सप्लीमेंट्स दिए जिससे आज मैं 100% एकदम ठीक हो चुकी हूँ। इस बीमारी को मैंने टाटा बाय बाय कह दिया है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि किसी की आप हेल्प करें तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो थैंक यू फ्रेंड।